यो सब गाइस का सबसे लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अगर आप मेरे लास्ट वाले वीडियो देखा होगा तो यार आपको पता होगा कि यार क्या होता, पर मैं एक बार हर बार अगर एक बार फिर रिकैप करके बता देता हूँ कि यार मेरे क्या हुआ था। तो गाइस जब यार गैंग जो यार जिन गैंग से माइक पहले फाइट लेते यार, तो उस गैंग को पता चला कि यार इस प्लान का मास्टर माइंड यार लेस्टर था, और यार वो लेस्टर किडनैप करके लगा यार लेस्टर को कोटा, और यार लेस्टर को खाई से नीचे फेंक रहे थे, और वो तो लेस्टर की किस्मत अच्छी यार कि वो बच गया। और इसी सीन को देखकर लेस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और गाइस ना मैं ऐसा वेपन दे जिसका यार कोई मुकाबला नहीं, मतलब आरपीजी से भी ऊपर है यार वो वेपन। और ऐसे वैसे कि ना मुझे 10-50 आरपीजी भी लग गए तब भी मेरी हेल्थ ना थोड़ी सी भी कम नहीं होगी। और गाइस आपने जब पहले मेरी उससे पिछली वाली वीडियो में कमेंट किया था कि मुझे बाइक खरीदनी चाहिए और एक बुगाटी डीवो, तो यार मैंने आपके लिए बुगाटी डीवो खरीद ली थी यार, बाय कर ली थी यार। अभी यार मैं जल्दी देखता हूँ कि यार आज मुझे क्या करना चाहिए। गाइस हमारे कल घर के सामने आ रही है, भीड़ कैसी हो रही है। अच्छा गाइस मेरे घर जाएंगे एक्सीडेंट हुआ है, तो यार ये शिव बाइक बाइक तो बढ़िया है, पर मैं अभी तक मैं थोड़ा साइड माइकल कहीं खड़ी कर रहा हूँ, बाद में बाइक का देखता हूँ क्या करना चाहिए। ऐसे बढ़िया है बाइक की, मैं खुद ही रख लूँगी, फिर ख़त्म कर दूँ बाइक को। अरे आज मैं सोच रहा हूँ मैंने आज ना पुलिस वाले केस में आ जाऊँगी, मेरे दीदार में उतना कोई जॉब कर रही हूँ यार, उतना मैं पुलिस केस में आ जाता हूँ। देखिए पुलिस स्टेशन अपनी गाड़ी आ रही है, जल्दी जाते हैं फुल सबसे बात करते हैं क्या मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगी। मैं जिससे जल्दी बात करता हूँ देखता हूँ कैसे। तो दादा ये कह रहे कि यार मुझे यार जॉब मिल जाएगी, यार मुझे यार एक बहुत बढ़िया टास्क दिया है। अरे कह रहे कि जब लास्ट टाइम कल या जब प्रेसिडेंट की स्पीच थी तो यार वहाँ पर टेररिस्ट आ गए थे यार, उन्होंने यार एक बॉम्ब प्लांट किया था यार, जो यार फोड़े, यार प्रेसिडेंट यार बहुत बुरी तरह जख्मी भी होते थे यार। इन्हें इन्हें इनके सीक्रेट एजेंट होते हैं यार, उन्हें पता चल गया था यार कि जो बॉम्ब जिस टेररिस्ट ने फोड़ा है तो यार वो कहाँ से भाग रहे थे यार, हम इन्हें पता चल गया कि यार वो ब्रिज से जा रहे हैं। तो यार ये कह रहे हैं कि यार ब्रिज से ना एक बाइक से भाग रहा था यार, उस बाइक के पीछे ना यार जैसे जैसे बाइक के पीछे आप देख पा रहे हो ना ये दो विंकर यार, उस बाइक के पीछे दो विंकर नहीं होंगे, उस बाइक में भाग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सभी बाइकों में विंकर होते हैं और इनसे कोई हटा नहीं सकता, ओनली यार ये कंपनी वाले हटा सकते हैं। और यार इन्होंने मतलब जो मिलिट्री कर्नल है उसने यार सभी कंपनी को ऑर्डर दे दिया था यार कि कोई भी अपने ये सब ना हटाए अपनी बाइक के, मतलब कंपनी से कह दी कोई भी किसी बाइक के ना हटाए, पर गाय उसकी बाइक का उन्होंने खुद ही हटा लिया था यार, उसके सामने पता चल गया कि यार वो कौन है। और लो यार लॉस एंटोस यार ये पब्लिक यार ये बहुत बेकार सीन है कि यार ये आ जाते हैं यार मुँह उठा के ना गाड़ी सेकंड हैंड खरीद लेते हैं किस्तों पर यार, फिर चला नहीं आती नहीं और बेमतलब आ जाएंगे। अरे यार लो अरे मैं सोच रहा हूँ कि अभी जल्दी से मैं बीच पे चलते हैं यार, मैं इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते जाऊँगा, मैं शक है कि यार जहाँ तक दूसरे रास्ते से आएगा नहीं होता यार, मैं आगे मैं खुद ही आगे चल जाऊँगा। यार मैं सारी जितने मेरे वेपन थे मैंने सब चेक किए, इन्होंने यार मेरे बस ओनली एक के 47 चलाने का ऑर्डर दिया, बस ओनली मैं एक के 47 चला सकता हूँ और मैं कोई भी गन नहीं चला सकता। नहीं तो यार मुझे भी क्या पता मुझे इससे सजा हो जाए 2-4 साल की जेल, तो यार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, ओनली मैं 1K47 में चलाऊँगा। तो यार मैं जल्दी से आगे ही चलता हूँ। ये देख पा रहे यार लेस्टर की यार बुगाटी डीवो है, जल्दी से अपनी 1K47 बाहर निकाल लेता हूँ। अब देख पा रहे यार मैंने अभी 2-3 दिन पहले इसकी स्किन चेंज करवाई है,
यार मैं लग नहीं रहा कि यार कि टेररिस्ट यहाँ से आएगा, और आ गया तो भाई हम लोग खोपड़ा उड़ा देंगे। यार ये भी नहीं है, एक इलेक्ट्रिक कार भी उसे यार जब जाम लग गया तो मैं जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, गए बाद में इलेक्ट्रिक में हटवा लेगा यहाँ से। एक मिनट यार तो भाई उसको भाई तुझे क्यों करनी यार, ये यार वो कर रिश्ते है तो यार भून देता हूँ यार। ले यार गैंग के बंदे पहले आ गए यार, मैंने कुछ नहीं कही, चलो जाओ गैंग वाले नहीं तो मैं तुम्हारे मुँह फाड़ दूँगा। फिर भाई भाई से मैं उड़ा दिया, मैंने बी मैं कुछ नहीं यार, ये बी मैं बंदे अपने सर पड़वाने आया, मुझे लग रहा है जल्दी से आ रही हूँ भागना चाहिए। तो यार गाइस यार मैं जल्दी जा रही हूँ निकल जा रही हूँ। लो यार नकली पुलिस है यार, ये यार हमेशा के काम खराब कर देती है। लो यार चल गई यार गोलियाँ, शिट यार इतना ख़राब सीन है, मुझे जल्दी भागना पड़ेगा, गाड़ी में से धुआं भी उठ चुका है। अरे लो गाड़ी इनसे पीछे छुड़ाने का एक तरीका ही क्या है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट गेटेड है जो मिलिट्री बेस का एरिया है फिर वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि यार अभी जब तक यार पुलिस की कार है मैं वहाँ पर आराम जा सकूँ, कोई यार मुझे नहीं रुकेगा। और जब तक मेरे पास एक पास है यार ना मिलिट्री वाले एक पास मैंने एक बार चुराया था यार, इसलिए यार मैं यार अपनी फोटो लगा ली थी, इसलिए जो मैं यार रोकेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस आज यार हमें पुलिस वाले की हेल्प करी, और यार अब मैं इस कार को नहीं लूँगा यार, क्यों कह रहा इस कार को यार अगर मैं लेके गया था यार क्या आप तो वो पहचान ले यार, फिर मेरे को गोली चलाने लग जाएंगे गैंग वाले। तो गाइस आज कल वीडियो में इतना ही, आप यार मुझे कमेंट कर सकते हैं यार कि मैं और क्या क्या टास्क कर जैसे पुलिस और गैंग वॉर, तो यार मैं खुद की गैंग बनानी चाहिए यानी। गाइस आज वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, और गाइस वीडियो कर लाइक, चैनल पर नया चैनल कर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।